सर हमारे मंत्री जी बहुत सारे ऐतिहासिक कदम गिनाते थे सदन को और हम सबको। मैं भी उनको मदद करने के लिए दो चार ऐतिहासिक कदम गिनाना चाहते हैं। वो ये है सर, आप तो क्लिक मिशन कर लो, वो ये अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट ऑफ शेड्यूल का स्टूडेंट्स, इसमें बढ़ोतरी हुआ है 0। रिसर्च स्टडीज एंड पब्लिकेशन पैसा 0, ऐतिहासिक कदम। आइए असिस्टेंट टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू एजेड 0। राष्ट्रीय बायोश्री योजना में 1 करोड़। ट्रांसफर ऑफ स्टेट यूटी फॉर स्कीम फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 0। इंफॉर्मेशन एंड मास एजुकेशन सेल 0। रिसर्च ऑन डिसेबिलिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड इश्यूज 0। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज फॉर डीप 0। सपोर्ट टू एस्टेब्लिशमेंट मॉडर्नाइजेशन कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ ब्रेली प्रेसेस, अंधे की बात कर रहे थे, ब्रेली प्रेसेस 0। आइए आइए गिनाते हैं ऐतिहासिक कदम, गिनाते हैं आपको। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस एंड डिसेबिलिटी स्टडीज 0.01 करोड़। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर 0। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एंड यूनिवर्सल डिजाइन 0.01 करोड़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन 0। तो आपको मैं गिना रहा है 0। अभी आइए, आपने कहते थे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, वो भी आपको गिनाते हैं। आप देखो स्टैंडिंग कमिटी क्या कह रहे हैं। स्टैंडिंग कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 1920 नोटेड दैट देयर वर 42,303 मैनुअल स्कैवेंजर इन द कंट्री इन 2018। हाउएवर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अंडर द स्कीम हैड ओनली बीन इम्पार्टेड टू ओनली 2,600 कैंडिडेट बिटवीन 1819 एंड 1920। कैश असिस्टेंस अंडर द स्कीम हैड ओनली बीन प्रोवाइडेड टू ओनली 726 मैनुअल स्कैवेंजर ड्यूरिंग द पीरियड। और इसी पीरियड में आपको जानकारी लेकर कह रहे हैं कि 282 सैनिटेशन वर्कर मर चुके हैं 282 सैनिटेशन वर्कर। आप तो ये बात हमें नहीं गिराते हैं। आप कहते हैं, आपके बजट में भी इस बार कहा गया था कि सोसाइटी केयरिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। आप एल्डर व्यक्तियों को बात करते हैं, हमारा देश में जो बुजुर्ग होते हैं उनके संख्या काफी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, 2-4 साल में 15 से 20 कोटि हो जाएंगे। लेकिन 71% ऑफ एल्डरली जो है हमारा देश में वो वंचना की शिकार होते हैं, अत्याचार की शिकार होते हैं। आपका इसमें कोई पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं है। हिंदुस्तान में सालाना 60 से 70 हजार बच्चा बच्ची गायब हो जाते हैं। उन्हीं सब लोगों को बेगिंग में नियोजित किया जाता है, भीख में। और ये भिखारी की संख्या क्या है आपको पता नहीं, और एक भिखारी माफिया सारे हिंदुस्तान छाए हुए हैं। तो भिखारी की माफिया और साथ साथ ये बेगिंग पर्सन, इनके लिए पॉलिसी आप क्या अपना रहे हैं, ये भी हमें थोड़ा जानकारी दे तो बेहतर होगी। और आपने कहा था कि आपने ड्रग की बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए अंधा लोगों की खेल में हमें भी दिलचस्पी है, लेकिन ये आपके नहीं, बहुत दिन से चल रहे हैं ये सारे सिलसिला। और देखिए ड्रग, आपने अभी कहा कि ड्रग अभी सारे हिंदुस्तान में ड्रग हैज बीन अलार्मिंग इन दैट ड्रग अब्यूज हैज बीन इंक्रीजिंग इन एन अलार्मिंग स्पेस अक्रॉस द कंट्री। ये सारे दुनिया में हिंदुस्तान अभी नोटोरियस बन गए हैं ये ड्रग एडिक्टेड कंट्री। मैं मैं पंजाब की एक बात रखता हूं, 16-17 साल में पंजाब में एक घटना घटी, मैं सिर्फ इसका जिक्र करके मेरा बात समाप्त करूंगा। ये पंजाब की एक व्यक्ति ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी को एक मेमोरेंडम भेजा। वो मेमोरेंडम में क्या है, साउड ऑफ मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट, सुन लीजिए सर, सारे सदन को सुनना जरूरी है। थाउजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स हैव ऑलरेडी डाइड ऑफ ड्रग्स सो फार टुडे। माय सन मंजीत सिंह हैज डाइड विद सेम ड्रग। आई एम सेंडिंग माय सन्स बॉडी, मृतक को देह भेज रहे हैं किसको, एज ए मेमोरेंडम
to the Indian government through administration with a hope that rest of the youngster could be saved. 16-17 साल में पंजाब में किसका सरकार था आपको जानकारी है? अभी पंजाब में काफी मशक्कत के दौरान इसमें कमियां आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ड्रग अब्यूज अभी भरपूर चल रहे हैं। इस विषय पे आपका पॉलिसी क्या है? ये दो तीन बातें रखते हुए ये देखिए, आप जो मिनिस्ट्री चलाते हैं इसका मैंडेट बहुत बड़ा है। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारा शेड्यूल 7, शेड्यूल 11, 12 सारे आपका दायरा में आते हैं। हम भी चाहते हैं कि आपकी जो मिनिस्ट्री है इस पर काफी काम हो, लेकिन पैसा की जरूरत है। आपको हाल क्या हुआ, कभी अंडर यूटिलाइजेशन होते हैं, कहीं ओवर यूटिलाइजेशन होते हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी हुआ कि आपको पैसा सरेंडर करने भी पड़ता, तो आपको पैसा सरेंडर करने भी होता ही। तो ये सारे चीज को सामने रखकर आप जवाब